यस प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट फर्स्ट की ईएफएम के अंतर्गत बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत चैप्टर चल रहा था अपना इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता अथवा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता अथवा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। अपूर्ण प्रतियोगिता के में फर्म का संतुलन या इक्विलिब्रियम इन द इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता में भी हमने पढ़ा था कि फर्म का जो संतुलन है वो उस समय माना जाता है कि जब फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, यानी कि फर्म अपने उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं करती है। उसमें भी दो विधियां हमने अध्ययन की थी, कुल आगम कुल लागत विधि। तो इस अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत भी हम दो विधियों के माध्यम से ये देखेंगे कि किस प्रकार से फर्म संतुलन की स्थिति में होती है। और आप ये जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में तो फर्म प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती है, यानी कि इंडस्ट्री ने जो मूल्य दे रखा है उसी के आधार पर फर्म माल बेचती है, कीमत समान होती है, लेकिन इसमें वस्तु विविध पाया जाता है और थोड़ा बहुत प्राइस का अंतर भी होता है, थोड़ा बहुत इसमें एकाधिकार की स्थिति होती है। तो पहली स्थिति है कुल आगम एवं कुल लागत विधि, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। कुल आगम कुल लागत विधि के अंतर्गत फर्म संतुलन की स्थिति में वहां पर होती है जहां पर टी आर इज ग्रेटर देन टी सी, और ये अधिकतम होता है। टी आर टी सी में अधिकतम जो दूरी होगी वही आपकी फर्म संतुलन की स्थिति में होगी, यानी कि जहां पर फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा वहां पर फर्म संतुलन की स्थिति में होगी, वहीं पर फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यह ओ एक्स ओ वाई, ये टी आर है, टी आर पहले बढ़ रहा है और उसके बाद ये घटना शुरू हुआ, ये है टी आर और ये आपकी टी सी, टोटल कॉस्ट। ये ए बिंदु है, यहाँ पर टी आर टी सी बराबर है, सॉरी बी बिंदु, और यहाँ पर भी ए बिंदु दे सकते हैं, टी आर टी सी बराबर है। और ये जो है अधिकतम, इसका जो गैप है, ये ओपी उत्पादन है, ये प्री प्राइस होगी, यानी कि इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक टी आर यहाँ ज़्यादा है, टी सी कम है, और ये अधिकतम दूरी है। फर्म यहाँ संतुलन की स्थिति होगी, यानी कि फर्म ओ की उत्पादन करेगी और ओपी प्राइस पर ओ की उत्पादन किया जाएगा, फर्म को यहाँ पर ये अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है। इस बिंदु पर टी आर टी सी दोनों बराबर हैं, इस बिंदु से यदि कम उत्पादन करेगी तो फर्म को लॉस होगा, और बी बिंदु पर टी आर टी सी इससे अधिक उत्पादन कर तो फर्म को लाभ होगा, और यदि इतना उत्पादन करेगी तो फर्म कम लाभ होगा, इतना उत्पादन करेगी तो फर्म को कम लाभ होगा। फर्म को जो अधिकतम लाभ होगा ये अधिकतम दूरी ये पी से क्यू के बीच में है, तो ये यहाँ पर चूंकि ये टी आर टी सी है और ये टी आर है, तो टी आर ज़्यादा है, टी सी कम है, तो यह पर क्या होगा, फर्म को अधिकतम लाभ होगा, यही फर्म के संतुलन का बिंदु कहलाएगा, यानी कि फर्म यहाँ पर साम्य की स्थिति में होगी, संतुलन की स्थिति में होगी। ये तो होगी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट मेथड। अब दूसरी जो विधि है सीमांत आगम एवं सीमांत लागत विधि, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच, एम आर और एम सी अप्रोच इसको कहते हैं। और इसके अंतर्गत फर्म संतुलन की स्थिति में तब होती है जब दो कंडीशन पूरी की जाती हैं, यानी कि एम आर इज इक्वल टू एम सी, मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट के बराबर होना चाहिए पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन इसमें आती है कि एम सी रेखा एम आर रेखा को नीचे से काटे। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तब जाके हम कहते हैं कि फर्म संतुलन स्थिति होती है, यानी कि एम आर इजक्ल टू एम सी, मार्जिनल रेवेन्यू इजक्ल टू मार्जिनल कॉस्ट होनी चाहिए। और दूसरी क्या है कि जो मार्जिनल कॉस्ट रेखा है वो एम आर रेखा को नीचे से काटती है, नीचे से बढ़ती हुई होनी चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि फर्म संतुलन की स्थिति में है। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम लेते हैं, उसके हिसाब से देखेंगे किस प्रकार से फर्म संतुलन की स्थिति में होगी।
आपने पूर्व प्रतियोगिता में तो पढ़ा था कि AR MR एक पड़ी रेखा होती है, क्योंकि फर्म प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती हैं। लेकिन चूंकि अपूर्ण प्रतियोगिता है, इसमें AR MR पड़ी रेखा नहीं होगी, बल्कि ऊपर से नीचे बाई से दाई ओर गिरती हुई रेखा होंगी। ये अपन स्थिति, ये तो है AR और ये है MR और ये होगी आपकी एम से रेखा। तो आपको फर्म का संतुलन वहाँ पर होगा जहाँ पर एम आर बराबर एम सी होगी। तो आप देखिए एम आर एम सी रेखा यहाँ पर बराबर है, क्लियर। और एम सी रेखा एम आर को नीचे से काट रही है, ये एम सी रेखा एम आर नीचे से काट रही है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये ओ की उत्पादन करेगी और इस पर जो प्राइस तय होगी, इससे यदि हम सीधा लंब डालें तो ए आर का मतलब हो गया ये प्राइस, ओ पी प्राइस होगी। तो ओ पी प्राइस पर ये कंपनी ओ की उत्पादन करेगी। तो जहाँ पर एम आर एम सी दोनों बराबर होते हैं, इसको हम ई बिंदु कह सकते हैं। और एम सी रेखा एम आर को नीचे से काट रही है, तो ये कंडीशन फुलफिल होती है यहाँ पर ई बिंदु पर। तो ये हो गया फर्म की संतुलन की स्थिति। और इससे यदि सीधा नीचे लंब रहा तो फर्म ओ की उत्पादन करेगी, और इससे सीधा ई आर रेखा है एवरेज नहीं, ये आपकी प्राइस तय हो जाएगी। इस मूल्य पर कंपनी इतना उत्पादन करके बेचेगी, तो फर्म संतुलन की स्थिति होगी, यानी कि फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। और फर्म, अब ये तो हो गया फर्म के संतुलन की स्थिति। अब आता है कि फर्म जो है वो अल्पकाल में इसकी क्या स्थिति होती है और लॉन्ग पीरियड में इसकी क्या स्थिति होती है। जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में सामान्य लाभ में हो सकता है, हानि हो सकती है, या नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति हो सकती है, वैसे ही अपूर्ण प्रतियोगिता में भी अल्पकाल में तीनों स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि इसमें भी फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश है, इजी प्रवेश है, इजी ही बहिर्गमन है। तो अल्पकाल में चूंकि इतनी अवधि होती है, शॉर्ट पीरियड होता है, कि जिसमें कि जो कोई भी कंपनी है या कोई भी फर्म है, वो मांग के अनुरूप उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं कर सकती, उतना उसके पास पीरियड नहीं होता है। तो अल्पकाल में फर्म को लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, और नो लॉस नो प्रॉफिट की सामान्य लाभ की स्थिति भी हो सकती है। लेकिन दीर्घकाल में इसके अंतर्गत भी फर्म को सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। लॉस होगा तो फर्म छोड़ के चली जाएंगी, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा किसी फर्म को तो और दूसरी फर्म इसमें एंट्री करेंगी, तो फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता में भी लॉन्ग पीरियड में फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है, अंतर इसमें केवल कितना है कि पूर्ण प्रतियोगिता में तो AR MR पड़ी रेखा होती है, जबकि इसमें AR MR रेखा दोनों गिरती हुई रेखा होंगी। तब आपको अल्पकाल के अंतर्गत हम पहली स्थिति लेते हैं, अल्पकाल में तीन स्थिति होंगी। पहली स्थिति हो सकती है लाभ की स्थिति, असामान्य लाभ। लाभ कब होगा? जब AR इज ग्रेटर देन AC, AR इज ग्रेटर देन AC होगा तो लाभ की स्थिति बनेगी। तो इसको एक डायग्राम से लेते हैं अपन, OX OY। ये AR, ये MR, ये MC और ये मान लीजिए AC। तो फर्म का संतुलन क्या होगा? जहां पर MR MC बराबर होंगे, तो इस पंत पर MR MC दोनों बराबर है, MC रेखा MR को नीचे से काटती है। इससे यदि हम सीधा लंब डालेंगे ऊपर, तो ये तो हो गया AR और ये टच किया AC, तो ये आ जाएगा आपका AR ज़्यादा है AC कम है, तो यह आ गया आपका प्रॉफिट। AR ज़्यादा है AC कम है, तो ये क्या जाएगा आपका प्रॉफिट। तो फर्म को इतना लाभ होगा अल्पकाल में, फर्म का संतुलन तो वहाँ पर होगा जहाँ पर कि MR MC दोनों बराबर होंगी, तो MC रेखा MR को नीचे से काटेगी। तो ये तो हो गया ई बिंदु, और ई बिंदु सीधा लंब डाला तो AR को टच किया, इससे नीचे आता ये ओ की उत्पादन हुआ, ये प्राइस आपकी ये रहेगी। और अब लाभ हानि तुलना AR AC करते हैं, AR ज़्यादा है AC यहाँ कम है, तो ये हो गया प्रॉफिट। तो ये तो हो गया आपका लाभ का डायग्राम। अब दूसरी स्थिति आ सकती है हानि की, इसकी बिल्कुल इतनी स्थिति है हानि। हानि कब होगी? जब AR इज लेस देन AC, यानी कि एवरेज रेवेन्यू कम है और एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है।
AR, ये MR, ये M सी रेखा, अब ये मान लीजिए ए सी रेखा, ठीक है, ये ए सी रेखा है। तो अब पहले तो आपको करना है कि संतुलन बिंदु कौन सा होगा जहां पर एम आर एम सी दोनों बराबर है, तो इस बिंदु पर हैं और एम सी रेखा एम आर को नीचे से काट रही है, तो यहां पर ई बिंदु से सीधा लंब डाल दीजिए आप, तो ये तो हो गया ओ की उत्पादन। इससे यदि हम सीधा लंब ऊपर डालेंगे तो ये तो ई आर को टच किया और ये ए सी को टच किया, ए सी ऊपर है ई आर नीचे है, तो क्या हो गया लॉस। देखिए आप पहली स्थिति तो आपको करना है कि फर्मी संतुलन कहाँ होगा जहाँ पर एम आर एम सी दोनों बराबर होंगे और एम सी रेखा एम आर को नीचे से काटेगी, तो ई बिंदु हो गया, सी तो हो गया संतुलन बिंदु, संतुलन से नीचे की तो ये फर्म इतना उत्पादन करेगी। अब इस देखते हैं इस संतुलन के बिंदु फर्म को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो लाभ हानि की तुलना करते हैं ए आर और ए सी रेखाओं से। तो यहाँ पर देखिए इससे सीधे लंब जाती, ये तो ए आर है, ई आर कम है और यह ए सी है, ए सी ऊपर है, यानी कि ए सी ज़्यादा है ई आर कम है, इसका मतलब क्या हो गया ये लॉस की स्थिति हो गई। अब तीसरी कंडीशन होती है सामान्य लाभ, नो लॉस नो प्रॉफिट की कह सकते हैं इसको अपन, सामान्य लाभ ये कब होता है, जब सामान्य लाभ ए आर इजकल टू ए सी, ये स्थिति तब होती है जब ए आर ए सी दोनों बराबर पाई जाती हैं, इसको भी समझ लेते हैं अपन। ओ एक्स ओ वाई, ए आर एम आर एम सी और ये ए सी। देखिए आप इस डायग्राम में इस बिंदु पर एम आर एम सी दोनों बराबर हैं, एम सी रेखा एम आर को नीचे से काट देती है तो हो गया ई बिंदु इक्विलिब्रियम कॉमेंट। अब इसे यदि हम सीधा लंब डालते तो क्या हो गया, इस बिंदु पर या ए सी और ए आर दोनों बराबर हैं, तो ये क्या आ जाएगा साम्य का बिंदु, संतुलन का बिंदु हो गया, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति यहाँ पर आती है। इसको थोड़ा सा इस तरह से, तो यानी कि इस बिंदु पर सीधा लंब डाला तो यहाँ पर ए आर भी है और ए सी भी है, दोनों बराबर हैं, तो ये आ गया फिर नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति। ये शॉर्ट पीरियड के अंतर्गत तीन स्थितियाँ होती हैं। अब लॉन्ग जो पीरियड हैं यानी कि लंबी जो अवधि हैं दीर्घकाल के अंतर्गत कंपनी को अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत तीसरी स्थिति पाई जाएगी, नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति होगी, सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा, क्योंकि यदि लाभ ज़्यादा होगा तो कुछ फर्में और ऐड हो जाएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा तो सामान्य स्थिति, हानि होगी तो कुछ फर्म छोड़ के चली जाएंगी। तो लॉन्ग पीरियड के अंतर्गत फर्म सामान्य लाभ की स्थिति में होती हैं, तो दीर्घकाल के अंतर्गत ये तीसरे नंबर की स्थिति उसके अंदर पाई जाएगी। तो वही डायग्राम बनेगा जो अपन ने शॉर्ट पीरियड बनाया था, केवल इसको आप एल ए आर या एल एम आर कह सकते हैं और ये आपका है ए सी, तो इसको आप एल ए सी कह सकते हैं, ये मान लीजिए आपके एम सी है तो इसको आप एल एम सी कहते हैं, लॉन्ग एम सी वक्र कह सकते हैं। ये आपका ई बिंदु हो गया इक्विलिब्रियम का पॉइंट जहाँ पर एम आर एम सी दोनों बराबर हैं और एम सी रेखा एम आर को नीचे से काट रही, इसे यदि हम सीधा लंब डाला तो ये आ गया आपका ए आर और ए सी दोनों यहाँ पर बराबर हैं, इसका मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति है, सामान्य लाभ की स्थिति है। तो ये डायग्राम बनेगा, यानी कि अल्पकाल में तो तीन डायग्राम बनेंगे, एक लाभ का, एक हानि का, एक सामान्य लाभ का, और दीर्घकाल में केवल एक डायग्राम बनेगा ये सामान्य लाभ का। अब अल्पकाल में जो बनेगा उसमें आप ये जो एम सी इसको एस एम सी कह सकते हैं, शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट, और इसको एस ए सी यानी कि शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, जब लॉन्ग टर्म वाला बनाए तो इसको एल कर दें, यानी कि एल एम सी इसका मतलब हो गया लॉन्ग मार्जिन कॉस्ट और लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, इस प्रकार से थोड़ा सा डिफरेंस इसमें नज़र आ जाएगा। तो आप नटसेल में हम कह सकते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में तीन स्थिति होती हैं और दीर्घकाल में केवल एक स्थिति पाई जाती है पूर्ण प्रतियोगिता की भांति। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि अल्पकाल में फर्म अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किस स्थिति में होती हैं और दीर्घकाल में
किसी सूत्र यानी कि अपूर्ण प्रत्यय के अंतर्गत मूल्य और उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।